हेलो फ्रेंड्स, केमिकल काइनेटिक्स में कल हमने पढ़ा था शून्य कोटि अभिक्रिया। तो आज अपन पढ़ेंगे प्रथम कोटि रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। प्रथम कोटि अभिक्रिया में वही अपन ने नॉर्मल रिएक्शन मानी है, आर रिएक्टेंट है जिससे पी प्रोडक्ट बन रहा है। शून्य समय पर आर की सांद्रता हमने मानी है आर नोट, कल भी हमने ये मानी थी। और टी समय पर हमने आर की सांद्रता मान ली है आर, अर्थात कुल टी समय में आर की सांद्रता कितनी अपघटित हो गई है। टी समय में आर की सांद्रता आर नोट से घटकर कितनी हो गई आर, यानी अभिकारक की इतनी सांद्रता टूट चुकी है इतने समय में, ठीक है। तो इसके लिए अपन देखिए वही चीजें निकालनी है, अवकलित तो एक समीकरण, फिर समाकलित तो एक समीकरण, वही सारी चीजें निकालनी। तो देखो अभिक्रिया का वेग, अभिकारक आर है तो डी आर अपॉन टी टी, अभिकारक के हिसाब से लिख रहे हैं तो माइनस में लिखेंगे माइनस डी आर अपॉन डी टी, क्योंकि यहां पर अभिकारक की सांद्रता लिया हमने शुरू में पढ़ा था। अभिकारक की सांद्रता लेते हैं तो ऋणात्मक, उत्पाद की लेते हैं तो धनात्मक, बराबर स्थिरांक के इंटू अभिकारकों की सांद्रता, अभिकारक कौन है आर, आर की सांद्रता और इसकी पावर कितनी एक, ये समीकरण है। इसको देखो अपन ऐसे लिख लेते हैं डी आर, इसकी तो पावर एक है, इसको मैं इधर लेता हूं, ले लेता हूं बक्सांग बंद कर, तो ये हो जाएगा डी आर बटे आर। इस आर को हमने इधर ले लिया तो ये हो गया डी आर बटे आर, बराबर ये माइनस का चिन्ह इधर ले लेते हैं के, और डी टी को भी इधर ले लेते हैं के डी टी, डी आर अपॉन आर बराबर माइनस के डी टी। ये आ गया प्रथम कोटि के लिए अपनी अवकलित वेग समीकरण, अवकलित वेग समीकरण। अब हम इसे निकालते हैं समाकलित वेग समीकरण। तो समाकलित वेग समीकरण के लिए अपने को इस का समाकलन करेंगे, तो ये मैंने समाकलन कर दिया डी आर अपॉन आर बराबर माइनस के समाकलन डी टी। तो डी आर अपॉन आर का समाकलन देखिए, अगर डी एक्स अपॉन एक्स है तो इसका समाकलन होता है एल एन एक्स, सूत्र ध्यान में रखना, डी एक्स अपॉन एक्स का समाकलन होता है एल एन एक्स। अगर आप एल एन एक्स नहीं लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं 2.303 लॉग एक्स, ये बताया था मैंने आपको एक देख दें कि एल एन एक्स को लॉग एक्स में कैसे चेंज करते हैं। तो ये इसका समाकलन तो आ गया एल एन एक्स, सॉरी एल एन आर, आर है ना यहां पर, बराबर माइनस के टी प्लस स्थिरांक लगा देते हैं हम सी, सी स्थिरांक लगा दिया, समाकलन स्थिरांक, समाकलन स्थिरांक का मान निकाल करके रखेंगे यहां पर वापस। इसके लिए अपने को अभिक्रिया की प्रारंभिक अवस्था में रिएक्शन के स्टार्टिंग में जाना पड़ेगा। ये रिएक्शन है देखो एल एन आर बराबर माइनस के टी प्लस सी, तो स्टार्टिंग के मान रखते हैं अपन। स्टार्टिंग में देखो एल एन आर अभिकारक की स्टार्टिंग में सांद्रता आर नोड है, तो आर का मान रख देता हूं मैं एल एन आर नोड बराबर माइनस के, और स्टार्टिंग में समय, समय का मान है शून्य, स्टार्टिंग में समय का मान जीरो हो गया प्लस सी, तो ये पूरी वैल्यू तो जीरो हो गई, तो सी किसके बराबर हो गया एल एन आर नोड के बराबर। तो इस स्थिरांक का मान रखेंगे अपन एल एन आर बराबर माइनस के टी प्लस एल एन आर नो, ये हमने समाकलन, जो समाकलन स्थिरांक था सी, इसका मान रखा है, क्योंकि बहस हो गया कंप्लीट। अब इस समीकरण को व्यवस्थित करके लिख दीजिए आप, ये सांद्रताओं के देखो दो पद हैं, इनको हम एक तरफ कर लेते हैं, इस एल एन आर को तो उधर ले लेते हैं और इस के टी को इधर ले लेते हैं, ताकि ये भी माइनस से कैसा हो जाए प्लस का हो जाए, तो के टी बराबर के टी को इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, के टी बराबर इधर ले आए तो इधर ही एक बच गया एल एन आर नोड,
और ये एल एन आर को उधर ले लेते हैं, ये तो उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस एल एन आर या कीर्ति बराबर लॉग ए माइनस लॉग बी। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है लॉग ए बटा बी, ए बटा सॉरी ये वाला एल एन आर ही है, आर नॉट ही, लॉग ए बटा लॉग बी, ये लीजिए हो गया कंप्लीट। एल एन को लॉग में चेंज कर देते हैं तो कीर्ति बराबर हो जाएगा 2.303 लॉग आर नोट बटे आर। अब यहां से अगर आप के की वैल्यू निकालना चाहें तो टी को पक्षांतरण करके उधर ले लेंगे, ये टी को मैंने इधर ले लिया, और टी की वैल्यू निकालना चाहें तो के को इधर ले लीजिए। तो ये आ गई अपने पास में प्रथम कोटि विक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। ये थी अवकलित वेग समीकरण और ये आ गई समाकलित वेग। प्रथम कोटि की जो रिएक्शन है इसका एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में लगभग हर बार आता है, बोर्ड के एग्जाम में प्रथम कोटि रिएक्शन का एक क्वेश्चन हर बार आता है। ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, अगर न्यूमेरिकल आ जाए इसी से रिलेटिव आते हैं न्यूमेरिकल, ध्यान रखोगे के टी बराबर 2.303 लॉग आर नोट बटे आर, ये मतलब याद रखिए, ये याद रखिए लॉग आर नोट क्या है शुरू की सांद्रता और आर है बाद की सांद्रता, तो आप इसको ऐसे याद रखिए के टी बराबर 2.303 लॉग प्रारंभिक सांद्रता बटे अंतिम सांद्रता, इस प्रकार से ध्यान में रखिए आप। इसी रिएक्शन को जैसे कल हमने एक दूसरी रिएक्शन और ली थी, मान लीजिए ये रिएक्शन है अपने प्रारंभिक सांद्रता अपन ए मानते हैं और अंतिम ए माइनस एक्स मानते हैं, तो इस समीकरण को आप कैसे लिखेंगे भी? बस आपको केवल ये ध्यान रखना है कि के टी बराबर 2.303 लॉग प्रारंभिक सांद्रता बटे अंतिम सांद्रता, ये ध्यान में रखना है, प्रारंभिक सांद्रता बटे अंतिम सांद्रता, बस इतना ही ध्यान में रखना, ठीक है ना। यहां पर भी ये प्रारंभिक बटे अंतिम, यहां पर भी ये प्रारंभिक बटे अंतिम, ये है समाकलित वेग समीकरण। अब इसमें जैसे न्यूमेरिकल पूछा जाता है तो न्यूमेरिकल पूछता है तो जैसे सांद्रताएं दे देता है अगला, वेग नियतांक दे देगा, समय पूछ लेगा, या समय दे देगा और वेग नियतांक पूछ लिया जाएगा आपसे। सांद्रता किस प्रकार से देता है वो आपको ध्यान में रखना है। जैसे मैं ये कहूं कि किसी विक्रिया के 40% पूर्ण होने में 10 मिनट लगते हैं तो उसका वेग नियतांक ज्ञात करो। सांद्रता केवल इतनी थी आपको 40% पूर्ण होने में 10 मिनट का टाइम दे दिया आपको, तो वेग नियतांक के ज्ञात करना आपको, तो के बराबर 2.303 बटे टी, 10 मिनट है, मिनट में रखें तो मिनट में रख लीजिए, फिर बाद में जब के का मात्रक लगाओ तो वो भी मिनट में लगाना, लेकिन के का जब मात्रक लगाएंगे तो मिनट में ही लगाना होगा, और सेकंड में चेंज करो तो इसको सेकंड में चेंज कर लीजिए, 600 सेकंड लोग प्रारंभिक सांद्रता बटे अंतिम सांद्रता। तो जो प्रतिशतताओं में अधिकांश है अपने को जो न्यूमेरिकल है प्रतिशतता में ही दिए हुए, प्रतिशतता में दिए हुए तो उनमें ध्यान रखना प्रारंभिक सांद्रता तो होगी 100, शुरू में तो बेकारक 100% ही होता है, और अब अगला क्या कह रहा है कि 40% विक्रिया पूरी हो गई, 40% तो पूरी हो गई तो अब बेकारक बचा कितना, 60% बेकारक बच गया, तो यहां पर आप रखेंगे लोग प्रारंभिक सांद्रता बटे अंतिम सांद्रता कितनी बची है, 60 बची, 100 में 7 का भाग लगा दीजिए, यहां पर जो भी मान आएगा इसका लोग जैसे 1 पॉइंट जितना भी आता है उसका मान आपको क्वेश्चन में दिया हुआ मिलेगा, वो मान रख देंगे आपके लिए। इसी क्वेश्चन में अगला ये कहता कि किसी विक्रिया के 40% शेष रहने में, देखो थोड़ा सा चेंज कर दिया, 40% शेष रहने में 10 मिनट लगे,
कि 10 मिनट के पश्चात अभिक्रिया केवल 40% शेष बची है, इसका मतलब 60% पूरी हो गई। इस बार ध्यान दीजिए, शुरू में 100% अभिकारक था, अब बचा कितना है 40% शेष बचा है, 100% पूरा हो गया। तो इस बार जो अंतिम सांद्रता है वो 40 ही होगी, अंतिम सांद्रता कितनी होगी 40 हो जाएगी, ये ध्यान रखना है, ठीक है। 40% शेष रह रही है इसका मतलब ये अंतिम सांद्रता हो गई, और 40% पूर्ण हो गई तो शेष कितनी बची 60%, वो अंतिम सांद्रता 60 हो गई, ये ध्यान रखने। जब भी न्यूमेरिकल आप या तो समय पूछेगा अगला या पूछेगा वेग नियतांक, तो आप निकाल दीजिए। देखो ये, अब अपन इसके लिए एक तो ग्राफ बनाना है अपने को, अवकलित वेग समीकरण हो गया, फिर उसके बाद में हमने समाकलित वेग समीकरण भी निकाल लिया, अब इसके लिए बनाएंगे एक तो ग्राफ और एक अपने को निकालना है अर्धायुकाल। तो पहले देखो मैं अर्धायुकाल ही निकाल देता हूं, शुरू में जीरो समय पर जो अभिकारक आर है उसकी सांद्रता आर नोट मानी हमने, फिर कुछ समय पश्चात, कितने समय पश्चात, अर्धायुकाल के पश्चात अभिकारक की कितनी मात्रा बचेगी, आधी बचेगी, आधी तो टूट गई, आधी शेष रह गई, अर्धायुकाल पढ़ा था हमने कल, तो इसकी बची हुई मात्रा कितनी, इस बार आर नहीं है, आर नोट बटे दो है, तो टी की जगह तो आप ये मान रखो, ये समीकरण होती है, तो टी की जगह तो मैं रख देता हूं टी हाफ बराबर 2.303 बटे के लोग आर नोट, प्रारंभिक सांद्रता तो आर नोट ही रहेगी, बटे अंतिम सांद्रता कितनी होगी आर नोट बाय टू, आर नोट बटे दो, तो वो दो ऊपर आ जाएगा, आर नोट से आर नोट कैंसिल हो गया, बच गया कितना लोग दो, तो लोग दो की वैल्यू रख देते हैं अपन, लोग दो की वैल्यू होती है 0.3010 गुणा कर दीजिए 2.303 के साथ में, तो अर्धायुकाल का देखिए ये सूत्र आएगा, इन दोनों को गुणा करेंगे तो 0.603 आएगा। यार प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल का सूत्र होता है 0.603 अपॉन वेग नियतांक, तो कल हमने शून्य कोटि के लिए निकाला था अर्धायुकाल, शून्य कोटि वाली अभिक्रिया का जो अर्धायुकाल था वो अभिकारक की सांद्रता पर डिपेंड कर रहा था, ये हमने पढ़ा था कल कि शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है। अब इसको देख करके बताइए कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर कर रहा है क्या किसी तरह से, नहीं कर रहा है। प्रथम कोटि अभिक्रिया का जो अर्धायुकाल है वो किसी भी प्रकार से अभिकारक की सांद्रता पर डिपेंड नहीं कर रहा है, देखो इसमें कहीं भी अभिकारक की सांद्रता नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया इसका अर्धायुकाल, ध्यान में रखना टी हाफ बराबर होता है 0.603 बटे के। प्रथम कोटि अभिक्रिया है इसके लिए एक अंतराल समीकरण और होती है, जैसे ये कोई अभिक्रिया है मान लीजिए जीरो समय पर इसकी सांद्रता है ए, टी वन समय पर इसकी सांद्रता बच गई ए माइनस एक्स वन, और टी टू समय पर इसकी सांद्रता होगी ए माइनस एक्स टू। अंतराल समीकरण, अंतराल का मतलब किसी निश्चित गैप के लिए अपन समीकरण निकाल रहे हैं। शुरू की सांद्रता इस बार अपने को ध्यान में रहने नहीं रही कि हमने एक शुरू में एक एक कितने मोल लिए थे, ये वाली सांद्रता अपने ध्यान में नहीं है। तो जो नॉर्मली अपन निकालते हैं यहां से लेकर के, जैसे अब तक हमने निकाला तो यहां से यहां तक निकाला था कि शुरू में सांद्रता ए थी और टी समय पर ए माइनस एक्स हो गई, लेकिन इस बार ये अपने ध्यान में नहीं है कि ए का मान कितना था। तो अपने फिर क्या किया, टी वन समय पर अभिकारक की सांद्रता देख ली, तो टी वन समय पर ए माइनस एक्स वन मिली, फिर हमने टी टू समय पर देखी तो ए माइनस एक्स टू मिल गई, ठीक है। तो अब यहां से लेकर के यहां तक का जो समय है कितना समय हो गया, टी टू माइनस टी वन, ये समय हो गया। इस समय के लिए अपन अंतराल समीकरण निकालेंगे,
देखिए सेम वैसे ही आपको पहले समीकरण लिखने हैं टी बराबर, ठीक है ना, 2.303 बटा के लोग प्रारंभिक सांद्रता बटे अंतिम सांद्रता। तो पहले अपन ये निकाल लेते हैं, पहले टी कितना लिया हमने, टी वन, तो यहां मैं करता हूं टी वन लोग ए प्रारंभिक सांद्रता, ए है जिसका मान हमें पता नहीं है, अपॉन ए माइनस एक्स वन, टी वन समय पर सांद्रता है माइनस एक्स वन, इसके लिए टी वन के लिए मान निकाल लिया अपन ने। भाई अपने को समय निकालना है कि यहां से यहां तक कितना समय लगा है, तो पहले आप टी वन का मान निकालो, फिर टी टू का निकालो, और फिर टी टू में से टी वन घटा दो। तो ये तो हमने निकाला टी वन, सेम ऐसे आप निकालिए टी टू, 2.303 बटा के लोग ए अपॉन ए माइनस एक्स टू प्रारंभिक सांद्रता बटे टी टू समय की यानी अंतिम सांद्रता। टी वन टी टू के मान आ गए, अब आप समय निकालना चाहते हैं तो निकाल दीजिए टी टू माइनस टी वन, सेकेंड समीकरण माइनस फर्स्ट समीकरण, द्वितीय समीकरण में से प्रथम समीकरण को घटा दीजिए, तो ये रही देखो द्वितीय समीकरण, 2.303 अपॉन के लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स टू टी टू माइनस टी वन, ये रहा टी वन, 2.303 अपॉन के लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स वन, तो टी टू माइनस टी वन बराबर कितना आएगा, 2.303 बटे के, इसको तो हम ले लेते हैं कॉमन, ठीक है। उसके बाद में अपने पास में ये राशि बचती है लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स टू माइनस लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स वन, तो इसको अपन ऐसे मान लेते हैं लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए माइनस लॉग बी, तो उसको अपन कैसे लिखते हैं, लॉग ए माइनस बी को अपन लिखते हैं लॉग ए बटा बी लिखते, तो लॉग ए, ए तो ये हो गया ए अपॉन ए माइनस एक्स टू बटे लॉग बी, लॉग ए माइनस लॉग बी, तो उसको लिखेंगे आप लॉग ए बटा बी, तो ये मैंने लिख दिया लॉग ए बटा बी, बी ए है ए अपॉन ए माइनस एक्स वन, तो बटे में ये लिख देता हूं मैं, ए बटे में लिख रहा हूं तो उल्टा हो जाएगा, अपॉन ए माइनस एक्स वन, ए से ए कैंसिल हो गया और बचा क्या a माइनस एक्स वन बटे ए माइनस एक्स टू, ये कट गया a माइनस एक्स वन बच गया, ये है प्रथम कोटि विक्रिया के लिए अंतराल समीकरण। टी वन समय से लेकर के टी टू तक का जो अंतराल है, ये जो गैप है, इसके लिए हमने समीकरण निकाले, और सेम वही समीकरण आइए देखो, पहले जो समीकरण होती थी वही समय t बराबर, ये t है डेल्टी आ जाएगा t2 माइनस t1, 2.303 अपॉन के लॉग प्रारंभिक सांद्रता बटे अंतिम सांद्रता, तो यहां से लेकर के यहां तक निकाल रहे हैं तो प्रारंभिक सांद्रता ये हुई, प्रारंभिक सांद्रता बटे अंतिम सांद्रता ये हो गई अंतिम सांद्रता। इस तरह से आप निकाल सकते हैं अंतराल समीकरण। अब अपन इसके लिए करते हैं ग्राफीय निरूपण, ये समीकरण होती है अपनी टी बराबर 2.303 अपॉन के लोग ए अपॉन ए माइनस एक्स, या आप लिख सकते हैं आर नोट बटे आर, एक ही बात। इसके लिए देखो अपन ग्राफ बनाएंगे, तो पहले आप इस समीकरण की तुलना कीजिए कि ये वाई बराबर एम एक्स के जैसी लग रही है क्या, यह समीकरण वाई बराबर एम इंटू एक्स के समान होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आप ध्यान से देखो इस समीकरण को कि आपको इसमें कौन सी राशि y लग रही है और कौन सी mx लग रही है, या फिर जैसे y बराबर mx होती है तो देखो अपन उसमें ग्राफ किस किस के मध्य बनाते हैं, y और x के मध्य,
यहाँ पर ग्राफ किसके मध्य बनाना चाहिए, सांद्रता और समय के बीच बनाना चाहिए, तो इधर तो सांद्रता लेंगे और इधर समय लेंगे, इधर तो सांद्रता, तो इसमें देख लो सांद्रता का पद कौन सा है, ये है लोग ए अपॉन ए माइनस एक्स, और इधर क्या लेंगे समय, वाई बराबर एम एक्स का बनाते हैं, तो इधर लेते हैं वाई और इधर लेते हैं एक्स, तो ये तो समीकरण का वाई है और ये क्या है एक्स, बाकी का जो बच गया वो एम, ये तो रहा अपना वाई, लोग ए अपॉन ए माइनस एक्स बराबर वाई बराबर एम एक्स, तो ये तो वाई हो गया बराबर एम एक्स, ये होगा एक्स, और इसको भी अपन पक्षांतरण करके इधर ले लेते हैं, ये एम होगा इसका, ये है इसका वाई, ये है एम और ये है एक्स, ये वन बाई एम आएगा, इसको इधर लेंगे अपन पक्षांतर करके, तो इसको पक्षांतर करके मैं इधर ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा के अपॉन 2.303 इंटू टी वाई बराबर के अपॉन 2.303, ये एम है और ये एक्स, वाई बराबर एम एक्स, तो वाई बराबर एम एक्स के लिए अपन ग्राफ बनाते हैं, सीधा ग्राफ आएगा, ये ग्राफ आ गया, इसका ढाल टेन थीटा बराबर लंब बटे आधा लोग ए अपॉन ए माइनस एक्स बटा टी, लोग ए अपॉन ए माइनस एक्स बटा टी, यह आएगा, अथवा टेन थीटा बराबर लोग ए अपॉन ए माइनस एक्स, या ये समीकरण देखो वाई बराबर एम एक्स में वाई बटा एक्स आता है डाल, तो वाई बटा एक्स का मान किसके बराबर होता है एम के बराबर भी लिख सकते हैं अपन, या फिर आप यहां से चेक कर लीजिए लोग ए अपॉन ए माइनस एक्स बटा टी, तो इस टी को मैं इधर लेता हूं पक्षांतर करके बाद में आ जाएगा ना, बटा टी बराबर क्या बचा के अपॉन 2.303, इसके बराबर ये मान है, तो टेन थीटा इसके बराबर लिख सकते हैं, या आप ये लिख सकते हैं के अपॉन 2.303, एक ही बात है, इस ग्राफ का ढाल आप चाहो तो ये बता दो चाहे ये बता दीजिए, लोग ए अपॉन ए माइनस एक्स बटे टी बता दीजिए, या के अपॉन 2.303 बता सकते, ये हो गया इसका ग्राफ, ये निरूप बुक में इसके लिए आपको एक अलग ग्राफ दूसरा ग्राफ और बनावा मिलेगा, जैसे यहां पर उस ग्राफ में क्या किया गया है देखो मैं यहां बता देता हूं आपको, लोग इधर तो टी ले गया है लेकिन इधर लोग ए अपॉन ए माइनस एक्स नहीं लेकर के सीधा ही लोग ए माइनस एक्स ले लिया, अगर इनके मध्य ग्राफ बनाओगे तो इस राशि को आपने अपोजिट कर दिया, एक और हटा दिया, या सिर्फ सीधा ए माइनस एक्स ही ले लिया, तो इसका ग्राफ इस तरह से उल्टा आएगा, तो ध्यान रखना आप ये ग्राफ बना देना आप, ठीक है ना, या फिर ये वाला बनाए तो ध्यान रखना ये अपोजिट आएगा, नीचे की तरफ डायरेक्शन में जाएगा, ये हो गया प्रथम कोटि विक्रिया कि जो समाकलित वेग समीकरण है उस समाकलित वेग समीकरण के लिए ग्राफ ये निरूपण, प्रथम कोटि विक्रिया के लिए ग्राफ ये निरूपण कर दिया हमने, बस हो गया कंप्लीट, और इसके एग्जाम्पल है तो एग्जाम्पल हमने पहले ही कल निकाल लिए थे, तो प्रथम कोटि हो गया जैसे अपन ने पहले निकाला था, प्रथम कोटि विक्रिया सबसे पहले अवकलित वेग समीकरण, फिर समाकलित वेग समीकरण, फिर अर्धायुगल, फिर समाकलित वेग समीकरण के लिए ग्राफ अभी हमने बनाया, इसके अलावा इसमें एक चीज और है अंतराल समीकरण, बात यह कि अंतराल समीकरण भी हो जाएगी, टी बराबर तो टी की जगह आ जाएगा टी टू माइनस टी वन, गैप आ जाएगा समय का बराबर 2.303 बटा के लोग, वही सूत्र रहेगा प्रारंभिक सांद्रता बटे अंतिम सांद्रता, तो ये प्रथम कोटि की जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो गई, इसका क्वेश्चन लगभग 99% बोर्ड के एग्जाम में आता है, हर बार आता है, जैसे कभी न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं सांद्रता से संबंधित, कोटि से संबंधित, वेग नियतांक का मान पूछ लेते हैं, कई बार अर्धायुगल पूछ लेते हैं, या कई बार ऐसे सिद्ध करना पूछ लेते हैं कि 50% अभिक्रिया पूर्ण होने में जो टाइम लगा है वो 75% अभिक्रिया के पूरा होने में जो टाइम है उसका आधा है, इसको सिद्ध कीजिए इस तरह से,
लेकिन इसका न्यूमेरिकल 99% पूछा ही जाता है। तो इसके जितने भी न्यूमेरिकल है, 5-7 न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे, तो मेरा तो बस ये कहना है कि जितने भी न्यूमेरिकल है उसमें से आप एक भी न्यूमेरिकल मत छोड़िए, इसके सारे न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लीजिए। 4 नंबर का चैप्टर है, आपके 2 नंबर 2 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। आज हमने जितना भी पढ़ा है उसको अगर आपने पढ़ करके उसके न्यूमेरिकल सोल्व कर लिए, इसका मतलब आपके 2 नंबर बोर्ड के एग्जाम में 2 नंबर कंफर्म हो जाएंगे। 4 नंबर के चैप्टर में से एक ही दिन में आप 2 नंबर कंफर्म कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। कोई भी न्यूमेरिकल नहीं समझ में आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर जिनको व्हाट्सएप पर भेजा जा रहा है तो वो व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर कल आगे और संकट सिद्धांत पढ़ेंगे। धन्यवाद।